Assalamu alaikum viewers, hope you are fine and doing well. Welcome to another vlog. Today I am going to show you my back flexion. So you are watching Triple S Varieties with Sanas Nala. So Sanas Nala, आज आपको दिखा रही हूँ अपने बैग, क्लच, पाउच, हैंडबैग, हर चीज, साइड बैग. चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट. तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपना मेकअप पाउच. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन मिनी बैग फॉर मनी. Here's, ये देखिए मैच भी कर गया. ओहो इट्स सूटेबल. तो ये मैं आपने शायद ब्लॉग में देखा होगा, मे भी. तो मेरी मामा ने ब्लॉग बनाया था, तो मैं अपनी बहन के लिए ये मनी से लेके आई थी. तो ये बहुत अच्छा है, मनी वाला इसमें सेव रहती है. अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना बिल्कुल छोटा सा पाउच, जो मैं अक्सर बाहर लेके जाती हूँ, मतलब कहीं भी आना जाना हो या बैकरी वगैरह या कहीं भी बाजार छोटा, मतलब इस तरह की कोई छोटी चीज, उसके लिए मैं छोटा सा पाउच लेके जाती हूँ. इट जस्ट लाइक इट, बहुत इजी सा. ये देखें, ये भी मिला था मोबाइल कवर एज अ, लेकिन मोबाइल पाउच भी है वैसे भी है. तो अक्सर आपने जीन्स वगैरह पहनी हो या टॉप पहनी हो, तो बंदा इसमें मोबाइल डाले, कुछ मनी डाले और ऐसे कैरी करके चलो निकलो. तो ये बहुत अच्छा, बहुत क्यूट है और बहुत ही, मतलब इसमें मोबाइल सेव रहता है, गिरने का कोई खर्चा नहीं होता. देखिए व्यूअर्स, तो ये बहुत अच्छा मुझे पाउच लगता है. अक्सर मैं ये भी लेके जाती हूँ भाई. तो ये मेरी मामा को गिफ्ट मिला था, तो मैंने मामा को बोला अब ये मेरा है, तो मैंने ले लिया. अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना, ये बहुत मैरूनी शॉर्ट सिल्वर में बहुत प्यारा है, मुझे ये व्यूअर्स बहुत पसंद है. तो ये मैं वेडिंग वगैरह या कोई फंक्शन हो तब कैरी करती हूँ, तब लेती हूँ, अदरवाइज ये नहीं, ये बाहर लेके नहीं जा सकती, अच्छा नहीं लगता. और ये भी, ये नॉर्मल, ये देखिए ब्लैक वन, तो ये भी अक्सर मैं बाहर जाने के लिए या कहीं भी होगा. ये देखें व्यूअर्स, ब्लैक अक्सर आजकल वेडिंग वगैरह में ब्लैक ड्रेस बहुत अच्छे लगते हैं, तो ब्लैक पाउच या ब्लैक क्लच वगैरह ये बहुत अच्छे लगते हैं. तो ये भी मैं जरूर कैरी करती हूँ, ये मैंने फंक्शन वगैरह के लिए रखा हुआ है, लेकिन ऐसे ही कंट्रास्ट होता है जैसे ब्लैक या मैरून या कोई भी ऐसा, फिर मुझे लेना नहीं पड़ता. तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, तो इसको फिर मैं नहीं लेती, मैं कहती हूँ ये मैं लूँगी, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है वेडिंग वगैरह फंक्शन वगैरह या कोई भी इस. तो ये देखें व्यूअर्स, ये साड़ी के लिए मैंने लिया था, लेकिन साड़ी नहीं अभी तक पहन पाई. एक दफ़ा मौका मिला था साड़ी पहनने का और साथ इसे कैरी करने का, लेकिन फंक्शन डिले होने की वजह से फिर नहीं पहन पाई. तो इंशाल्लाह पहनूंगी ज़रूर साड़ी, मुझे बहुत पसंद है, मैं ज़रूर कैरी करूंगी. जिस दिन वो पहनी ना, उस दिन मैं अपना लुक दिखाऊंगी साड़ी लुक आपको. तो व्यूअर्स ये देखें, ये मामा ने लिया था साड़ी के लिए, तो मामा पहन चुकी हैं और उनको ये बहुत पसंद है. व्यूअर्स अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना बैग, जो कि मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ. है तो मेरी सिस्टर का, लेकिन वो कहती है कि नहीं आप ये आप ले लें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेके जाना शुरू हो गई थी. इसमें पेपर्स वगैरह, इसमें मेरी सारी चीज़ें इजीली, जब से मैं टीचिंग वगैरह स्टार्ट की, मतलब जब से नहीं पहले यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन इन दिनों ये जो लास्ट कुछ थिंग्स हैं या मतलब मंथ्स हैं, तब से मैं ये यूज़ कर रही हूँ. तो ये बहुत अच्छा है, इसमें पेपर्स वगैरह, इसमें हर चीज़ बहुत अच्छे सेव होती है. तो ये मुझे बहुत पसंद है, ये मेरा दिल करता है रेगुलर बेस, इट्स माय बैग. व्यूअर्स नाउ आई विल शो यू दिस वन पाउच, मनी पाउच. ये भी बहुत छोटा सा, इसमें मनी वगैरह डाल के मैं बड़े बैग में डाल लेती हूँ और फिर कैरी कर लेती हूँ. लेकिन अगर वैसे ही कैजुअली जाना हो या बाहर निकलना हो या कोई भी कुछ भी छोटा मोटा सामान वगैरह लाना हो या मामा के साथ जाना हो, तो मैं ये कैरी करती हूँ, बस इतना ईजिली पकड़ लें चलो. तो प्यारे व्यूअर्स, इट्स माय फेवरेट, मोस्ट फेवरेट, तो क्योंकि ये पापा ने गिफ्ट किया हुआ है, तो पापा की तरफ से ये गिफ्ट बहुत अच्छा है. देखें व्यूअर्स, मैंने जब इसे फर्स्ट टाइम देखा और मैंने कहा वाकई में ये बहुत अच्छा, ये पॉलिश बैग भी इसे मैंने यूज़ किया हुआ है एज अ मैंने
आने जाने के लिए भी, किसी भी फंक्शन वगैरह के लिए, ट्रिप के लिए, टूर के लिए बहुत यूज़ किया हुआ, ये मुझे बहुत पसंद है और इसमें काफ़ी चीज़ें सेव रहती हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको ये वाला बैग। तो व्यूअर्स, ये वाला बैग है तो मामा का भी और मेरा भी, लेकिन ज़्यादातर मामा यूज़ करती हैं, मैं यूज़ करती हूँ जब मैंने मतलब टीचिंग के दौरान मैंने आपको बताया था जैसे मैं टीचिंग करती हूँ तो उस तरह मैं इसे कभी कभी कैरी कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं। मुझे ज़्यादातर साइड बैग इस तरह पसंद है, कभी हो जब मैं चीज़ें सेव रखनी हो या कुछ भी, तो गिव कार्ड चेंज, कुछ नया चेंज या साइड पे, तो ये लेती हूँ। अब मैं दिखाती हूँ व्यूअर्स जो के मेरा है, मैंने खुद खरीदा था। तो फर्स्ट टाइम मतलब मुझे सैलरी मिली थी तो मैं शॉपिंग करने गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा मैं शॉपिंग करके आई थी, उसमें ये बैग लेके आई थी, बैग लेके आई थी, ड्रेस लेके आई थी और उस दिन बहुत अमेजिंग डे था। तो ये देखिए मैं है, काफ़ी पुराना हो गया लेकिन मुझे पसंद है ये, देखिए कितना अच्छा कट कर। ये भी वियर से एक मेरा पुराना सा बैग है लेकिन ओल्ड इज गोल्ड एज यू वेल नो। तो ये भी बहुत अच्छा प्यारा सा स्काई ब्लू कलर का, सी ग्रीन कलर था, लेकिन ये भी मुझे पसंद है। ये देखिए ये मेरी छोटी बहन का बैग है जो कि मामी ने गिफ्ट किया था, तो हमें बहुत ये संभाल के रखा हुआ क्योंकि मामियाँ कभी कभी गिफ्ट करती हैं और वो संभाल के ज़रूर रखना चाहिए। और ये बहुत ही याद, मतलब एकदम उन्हें दिखाए मामा या मामी या आपने हमें गिफ्ट किया था, तो वो भी हैरान हो जाए कि वाकई कुछ जो गिफ्ट दिए हैं मैंने संभाल के रखे हमें। तो व्यूअर्स मैं ज़रूर संभाल कर रखूँगी और हम ज़रूर संभाल कर रखेंगे क्योंकि हम तीनों बहनें बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं ये बैग्स वगैरह का ये सारा। अब मैं आपको दिखाती हूँ टंटना अपनी मामा का बैग। ये देखिए व्यूअर्स ये मामा का बैग है, जब भी उन्होंने कहीं मतलब ज़्यादा वो यूज़ नहीं करती, कभी वो हैंड बैग छोटा सा वो भी लेने से कतराती हैं, वो कहती नहीं। जो कभी हो जब उन्हें कहीं फंक्शन पे या वेडिंग वगैरह पे या कहीं भी आना जाना हो तब वो ये लेती हैं व्यूअर्स। व्यूअर्स अब मैं दिखाती हूँ अपना एक ब्लैक वन कॉलेज बैग, तो ये भी बहुत अच्छा और ये इतना मतलब मजबूत रहा है और इतना ये मतलब सही है कि मैं ये मेरी जो दूसरी बहन है ना कॉलेज जा रही उसने भी यूज़ किया है ये वाला, बहुत अच्छा ब्लैक वन। ब्लैक इज़ ब्यूटी, ब्लैक इज़ वन। ये देखें व्यूअर्स बहुत ही थोड़ा सा पुराना है लेकिन ये भी बहुत अच्छा मतलब फ्लावर स्टाइल था, तो ये मामा कैरी करती थी, तो मुझे मामा को देख के मामा मैं भी कैरी करूँगी, ऐसे कभी करती कभी इस तरह करती कभी इस तरह करती, तो फाइनली फिर हो गया मेरा। लेकिन बस तो व्यूअर्स ये लास्ट वन था। ओके व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरे बैक लेक्चर पसंद आई होगी, तो फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन आपने मेरी इस ब्लॉग को पसंद करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है ताकि नेक्स्ट जितने भी मेरे ब्लॉग हों जल्दी आप तक पहुंच सके और जितने भी वीडियोस भी हैं, क्योंकि ब्लॉग ही नहीं जस्ट उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन रेमडीज हर चीज़ जो मैंने आपको बोली हुई है वो भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।